आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग गेम में स्वागत है। एक फिर से प्यारी सी अपडेट के साथ नर्सिंग गेम आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि राजस्थान में यूट्यूब बेसिस पे भर्ती हो रही है, अर्जेंट टेम्पररी बेसिस पे भर्ती हो रही है। पूरे राजस्थान में जिले वाइज और काफ़ी ज़िले की भर्ती भी आ चुकी है और उनके डीवी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। कल हमने एक वीडियो बनाया था कि नागौर ज़िले की जो भर्ती थी उसमें कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लग गए कि उनको बोनस अंक नहीं दिया है और ज़िले के अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया है, तो वो भर्ती है वो निरस्त कर दी गई है एक बार, और 11 सितंबर को वापस है पुनः लिस्ट जारी होगी। तो आज एक और लिस्ट लेके आए हैं दोस्तों, जोधपुर ज़िले की, जोधपुर की भर्ती रहने वाली है। यूटी बेसिस पे जो भर्ती निकली थी उसकी फर्स्ट डिवी लिस्ट निकल चुकी थी, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अब सेकंड लिस्ट है और जारी कर दी गई है, डीवी की सेकंड लिस्ट आ गई है यूटी बेसिस पे जो भर्ती निकली थी जोधपुर की, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम में वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नर्सिंग से जुड़ी सारी अपडेट PDF संबंधित जो भी हैं वो इन्फॉर्मेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और नर्सिंग एम यूट्यूब चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर भर्ती हर अपडेट आपको हमारे चैनल के द्वारा मिल जाएगी। तो चलते हैं आगे की इन्फॉर्मेशन क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम की नहीं है, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। तो दोस्तों, प्रेस विज्ञप्ति, जोधपुर की जो भर्ती थी, राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 25/4/2023 के अनुसार नर्सिंग पैरामेडिकल यूटी भर्ती 2023 में COVID-19 के अनुभव 15 बोनस अंक दिए जाने व जोधपुर जिले के अभ्यर्थियों को चयन वीरता में दिए जाने के साथ ही नर्सिंग का धरना समाप्त। तो धरना था कि इसमें 15 बोनस अंक है वो नहीं दिए जा रहे हैं और जिले के अभ्यर्थियों को लिया नहीं जा रहा है, सभी जगह ये हो रहा है और जोधपुर ज़िले में भी यही हुआ। नर्सिंग संगठनों ने धरना दिया तो उनकी मांग मानकर डीवी लिस्ट, सेकंड डीवी लिस्ट है वो जारी कर दी है और धरना समाप्त कर दिया है। तो नर्सिंग सेंटरों के द्वारा यूटीवी में संबंध में दिए जा रहे धरने के समय संगठन के प्रतिनिधि में आज मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर में 5/9/2023 को वार्ता की गई। उन्हें भर्ती के संबंध में अपने गई COVID-19 के अनुभव के 15 बोनस अंक दिए गए हैं और तथा 15 बोनस अंक दिए जाने के पश्चात श्रेणीवार रिक्तियों के 2 गुना तक की चयन सूची में अतिरिक्त अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन 8/9/2023 को करवाए जाएंगे। तो जो जिन्होंने COVID-19 में काम किया था उनको 15 बोनस अंक का लाभ मिला है और सेकेंड ड्यू लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और इसमें काफ़ी महिला अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है और जोधपुर ज़िले के अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया गया है। नर्सिंग सेंटरों के प्रतिनिधियों को जोधपुर ज़िले के अभ्यर्थियों को वीरता दिए जाने तथा चयन हेतु पारदर्शी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई है। इसके पश्चात सह धन्यवाद धरना समाप्त करने की घोषणा की गई है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर। अब दोस्तों डीवी लिस्ट बताते हैं, ये हमारा नर्सिंग गेम नाम से चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिए। आप नर्सिंग गेम से चैनल बना रखा है हमने, लिस्ट ये दोस्तों अपलोड कर रहे हैं जोधपुर की, ये जोधपुर की डीवी लिस्ट है